यूएई की बेस्ड, यूएई बेस्ड एक कंपनी उसने डाल दिया है पाकिस्तान स्टेट बैंक पे और एक प्राइवेट बैंक पे 74 बिलियन रुपीज, 74 बिलियन रुपी यानी कि मोटा मोटी हाफ अ बिलियन डॉलर का हर्जाना। और वो हर जाना इनफैक्ट आजकल पाकिस्तान से सभी पैसा मांग रहे हैं। आईएमएफ ने जो वार्निंग दी है, पाकिस्तान में बेरोजगारी 4.8% मजीद बढ़ने की तवक्को है, इससे ज्यादा मसनूआत महंगी कभी भी नहीं हुई। ये हाफ अ बिलियन डॉलर उस समय मांगा गया है कि जब पाकिस्तानी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है, और ऐसे में इस कंपनी को देखना तो चाहिए था कि हम मांग किससे रहे हैं यार, इससे तो सभी मांग रहे हैं, इसके पास है नहीं। आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया है, उसने डाल दिया है पाकिस्तान स्टेट बैंक पे और एक प्राइवेट बैंक पे 74 बिलियन रुपीज, 74 बिलियन रुपी यानी कि मोटा मोटी हाफ अ बिलियन डॉलर का हर्जाना। और वो हर्जाना इनफैक्ट आजकल पाकिस्तान से सभी पैसा मांग रहे हैं, जिन्होंने पहले कर्जा दिया था वो मांग रहे हैं, ऊपर से चाइना ने भी मांग लिया 34 मिलियन डॉलर्स का हर्जाना, वो जो दासू में उसके इंजीनियर मारे गए थे। इस कंपनी ने बोला, एनर्जी ग्लोबल इंटरनेशनल FZE, इस कंपनी ने बोला कि 2012 में इसके अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे और इसके अकाउंट्स कन्वर्ट किए गए थे, मतलब डॉलर टू रुपी वाले अकाउंट किए गए, और साथ में उससे इस कंपनी को हुआ बहुत बड़ा नुकसान, मारा है पाकिस्तान की कोर्ट्स में। अब उस पर इनफैक्ट क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, कुछ इसी रीजन से नहीं आ रहा है कि वहाँ पे एक तो कोई सुनवाई नहीं है, कोर्ट्स में सालों साल मुकदमे पेंडिंग रहते हैं, और जो इन्वेस्टर है वो पैसा लूज करके जाता है, कोई सुनने वाला नहीं, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है इस लेवल तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त चाइना वो भी इन्वेस्ट करने, सऊदी अरेबिया भी इन्वेस्ट, लोन दे देगा, वो पैसा दे देगा आपके बैंक में, पैसा पार्क कर देगा, इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार आप घुस गए तो आपका पैसा लगभग गया शायद, इसलिए क्योंकि ये समझिए कि वो पैसा रिकवरी का कोई चांस नहीं है, और रिकवरी अगर आप वहाँ से एग्जिट मारना, फ्री एंट्री एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ओपन इकोनॉमी में, अगर आप एंट्री कर गए आपका सारा पैसा डूबा हुआ है, आप एग्जिट नहीं कर सकते, और एग्जिट करेंगे तो आपके साथ ऐसे अकाउंट्स फ्रीज होते हैं और आपका पैसा ऐसे मारा जाता है। ये हाफ अ बिलियन डॉलर उस समय मांगा गया है कि जब पाकिस्तानी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ख़राब है, 1.6 बिलियन डॉलर्स का, 1.6 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट है, सिर्फ 17 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो भी मांगा हुआ है, वो 17 बिलियन डॉलर भी कहीं से मांगा हुआ है, अपनी कमाई नहीं है हाथ में। और ऐसे में इस कंपनी को देखना तो चाहिए था कि हम मांग किससे रहे हैं यार, इससे तो सभी मांग रहे हैं, इसके पास है नहीं। खैर एनी वेज, जो बोले वो बोले, 1-1 बिलियन डॉलर के लिए कोशिश हो रही है, इमरान खान खुद गए सऊदी अरेबिया, तब तो वहाँ से पैसा आया, आईएमएफ पे 1 महीने इनके ऑफिसर्स, और वो तरीन साहब, वो शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर, इस समय डिफैक्टो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो पड़े रहे वहाँ पे, लेकिन पैसा 1 बिलियन डॉलर अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है। वो उसने शर्त, आईएमएफ ने 5 शर्तें लगा दी हैं, शर्त ये है कि बिजली कीमत बढ़ाइए, जो कि ये बढ़ाने के मूड में नहीं है, पहले ही जीना मुश्किल है वहाँ पे, 150 रुपये किलो चीनी क्रॉस कर रही है, आटा बहुत महंगा हो गया है, मिल नहीं रहा है, गैस गायब हो चुकी है, गैस के सिलेंडर्स ब्लैक में भी नहीं मिल रहे हैं। आईएमएफ ने जो वार्निंग दी है, वो वार्निंग दरहकीकत ये है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी 4.8% मजीद बढ़ने की तवक्को है। दूसरी बात, पेट्रोलियम मसनूआत में बढ़ोतरी का जो तोहफा पिछले दिनों हुकूमत ने दिया 8 रुपये, अब हम रिकॉर्ड पेट्रोलियम की जो है वो शरह पे खड़े हुए हैं कि इससे ज़्यादा मसनूआत महंगी कभी भी नहीं हुई। गार्डियन की स्टोरी पिछले दिनों मैंने कवर की, जिसमें गार्डियन ने बताया कि पाकिस्तान में लावा पक रहा है, हुकूमत मुखालिफ इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। सर कहीं यही वजह तो नहीं थी कि इमरान खान साहब ने इस एक वक्त में पेट्रोलियम मसनूआत में दोबारा इजाफे का रिस्क तो नहीं लिया, क्योंकि जाहिर है लगी लगाई कौन किसको बुरी लगती है, लेकिन आइंदा दोबारा आने वाले कुछ दिनों में, हफ्ता 10 दिन में, दोबारा आवाम के आसाब को एक मरतबा फिर झिंझोड़ा जाएगा पेट्रोलियम मसनूआत में रिवीजन के ज़रिए? हमारी हुकूमत मजबूर है कि जो जो इंटरनेशनल कीमतें बढ़ रही हैं उसके साथ हमें चलना पड़ेगा, हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है अपने जेब से भी,
अपने जेब से अगर हुकूमत दे सकती थी, मैक्सिमम जितना दे सकती थी पूरी दुनिया के अंदर, मैं दावे से कहता हूँ कि जिन मुल्कों में तेल भी निकलता है ना, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा तेल सस्ता पाकिस्तान के अंदर है अलहम्दुलिल्लाह। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जीरो टैक्स ले रही है तेल के ऊपर, जीरो टैक्स पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। सर पेट्रोल आखिरी दफा कब देखा था आपने? डलवाया छोड़ दीजिए, रोज डलवाते। अच्छा मुझे ऐसा लगा आप पैदल सीरियस शो है, आपने लतीफे सुनाए। नहीं, लतीफे वाली इसमें कोई बात नहीं है, लतीफे वाली इसमें कोई बात नहीं है, ये सीरियस बात है। देखें इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये क्राइसिस है, और आप यूके को ले लें, अमेरिका को ले लें, दूसरे कंट्रीज को ले लें, माना ये मानता हूँ कि वो अमीर कंट्रीज हैं, हम उनके साथ हमारा इस कंपैरिजन नहीं है बिल्कुल, लेकिन हम अफेक्टिव तो हैं, हाँ है, लेते तो हम भी बाहर से हैं बिल्कुल, ठीक है ठीक है। और इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, और हुकूमत पाकिस्तान जितना मैक्सिमम बोझ मैं कहता हूँ कि बर्दाश्त कर रहे हैं, आप तारीख उठा के देख लें। सर बोझ तो हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ना, मतलब फैसल वावड़ा का बोझ हम उठाए, फवाद चौधरी का बोझ हम उठाए, शेख रशीद का बोझ हम उठाए, मतलब आप सोचें, मतलब ऐसा नहीं है, कितने अनमोल रतन है, कम अज कम वजीरों को आधों को बेरोजगार कर देते तो हम लोगों को सुकून आ जाता। IMF वार्निंग दे रहा है कि बेरोजगारी बढ़ने वाली है, और वजीरों की फौज जफर मौत जो है वो मतलब आप समझें, मैं वो जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, तफरी कर रही है भाई। कौन को साफ साफ बता दे कि पेट्रोल की कीमत हमारे इख्तियार में नहीं है, हमने IMF के साथ मुआहिदा किया है, पेट्रोल का मुआहिदा हमने किया है कि उसको हम आहिस्ता आहिस्ता 200 पे पी लीटर पहुंचाएंगे, और हम डॉलर को पहुंचाएंगे 300 पे। साहब कौम को बता दे, आप लोग कभी इधर से पकड़ते हैं कभी उधर से पकड़ते हैं, सीधा सीधा बात लोगों को कर ले कि आप लोगों ने मुल्क को IMF के सामने सरेंडर किया है। पिछली हुकूमतों ने भी कर्ज ली है, लेकिन एक तरफ IMF के लोग होते थे, दूसरी तरफ हुकूमत है पाकिस्तान के लोग। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा अखुंदा चट्टान साहब, वक्त की कमी के सबब मुझे आपको, मुझे आपकी गुफ्तगू में मुखल होना पड़ रहा है सर, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। IMF बजट है। कैसर अहमद शेख साहब, सर वाइंड अप की तरफ जाएंगे। जनाब मन, ये जो गुफ्तगू अभी आपने सुनी है अकरम चीमा और अखुंदा चट्टान साहब के माबेन, सर इस पर आपके व्यू पॉइंट। देखिए बात सुनिए, इन्होंने कहा था कि अगर हम डॉलर का रेट बढ़ाएंगे ना तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी और करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। अब एक्सपोर्ट तो क्या बढ़नी थी, हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ गई। ये पहली बार हुआ है कि हमारी इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से 2.5 गुना हो गई है। डॉलर का रेट इन्होंने, हमने छोड़ा था 120 रुपए में, आज 176 रुपए है। ये जो महंगाई हो रही है ना, एक तो इंटरनेशनल रेट बढ़े हैं कमोडिटीज़ के, और असल इन्होंने डॉलर को बढ़ा दिया ना, तो हर चीज़ तो बाहर से ख़रीदते हैं डॉलर में, तो ऑटोमेटिकली वो रेट बढ़े। और इन्होंने क्यों बढ़ाया, किससे पूछ के बढ़ाया, उससे फ़ायदा किसको पहुँचा, क्या एक्सपोर्ट बढ़ गई? सिर्फ IMF को आपने खुश किया है और उनकी कंडीशनें आप मान रहे हैं। देखिए पहले भी तो इतना अरसा डॉलर रुका रहा ना, वो उसको, उसके कई तरीके हैं ना, बाहर से आप इन्वेस्टमेंट मंगाने की कोशिश करते कि बाहर से पैसा आ जाता, या आपने कहा था कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है, जो नेशनलाइज इंडस्ट्री है, कौमियाई गई इंडस्ट्री है, जो कि हज़ारों अरबों रुपए लगे हुए हैं उस पर, और जो हर साल 700-800 अरब रुपए का नया खसारा करती है, उसको कोई प्राइवेटाइज करते, बाहर के लोगों को देते, डॉलर बाहर से आते। आपने तो यही इमरान खान साहब ने कहा।